कबीर ने अपार्टमेंट बेच दिया है। इस वीकेंड वो यहाँ शिफ्ट हो रहा है। What? कबीर, मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ जानबूझकर मुझे तंग करने के लिए कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती, और आपको ये भी पता है कि आलिया भाभी मुझे उस घर में बर्दाश्त ही नहीं करेंगी। एक दफा तुमने मुझसे कहा था शिराजी की कंपनी या मैं, आज मैं तुमसे कह रही हूँ तुम्हारा बाहर सेटल होने का ख्वाब या मैं। अरे कबीर, आप जल्दी आ गए। कहाँ गई थी तुम? एक काम था। क्यों, अब क्या हुआ? तुम भूल गई हो कि तुम्हारी एक छोटी बेटी भी है। इतनी लापरवाह हो तुम, अपनी छोटी बेटी को छोड़कर तुम अपने काम निपटाने चली गई थी। नूर है ना, उसे कहकर गई थी उसका ख्याल रखे, वो किस लिए है यहाँ? उसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है या किसी और की? बस कर दें कबीर, आखिर मुझे भी तो पता चले ऐसा क्या हो गया है। इल्हाम की तबीयत खराब हो गई थी, इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर गया था मैं उसे। तब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारा फोन बंद जा रहा है। हाँ, वो बैटरी डेड हो गई थी, मोबाइल बंद हो गया था। और क्या ही कयामत आ गई, आप थे ना, आप ले गए उसे। और वैसे भी कभी सारा दिन तो मैं ही उसका ख्याल रखती हूँ ना, आपकी भी बेटी है, एक दिन आपने कही है तो क्या हो गया? पर तुम्हें जरा सा भी एहसास है, ये कैसे बात कर रही हो तुम? बजाय अपनी गलती मानने के उल्टा मुझ पर चढ़ाई कर रही हो। बस कर दें कबीर, बस कर दें, बहुत हो गया है। आपसे भूल रहे, मैं आपकी बीवी कोई मुलाजमा नहीं जिसको आते जाते आप बातें सुनाते रहेंगे। मेरी भी अपनी कोई लाइफ है, आप लोग की वजह से घर में बैठ जाऊँ क्या? मैं हद होती है हर चीज की, आइंदा आप भी अपनी हद में रहेंगे। पलट, मारे आप मुझे, मारे ना, मारते क्यों नहीं आप? हाथ ही रोक लिया अपना, पता चले आपके दिल में है कितना कुछ मेरे लिए। इतना गुस्सा पर फलर, आप फलर। तुम्हें अंदाजा है कि मैं और कबीर कितने परेशान थे? इल्हाम को सीधा हम इमरजेंसी में लेके गए। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी नेग्लिजेंस का नतीजा कितना बुरा निकल सकता था। प्लीज फलक, खुद को सुधारो और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को कोसना छोड़ दो। बस कर दे, क्या हो गया? कबीर जैसी बातें कर रही हैं आप, और मैं कौन सा रोज चली जाती हूँ घर से बाहर? कोई जरूरी काम था इसीलिए थोड़ी देर के लिए गई हूँ, ये कयामत आ गई है। तो फिर बता के क्यों नहीं गई, और फोन क्यों बंद था तुम्हारा? बीबी जी, वो इल्हाम बीबी उठ गई है। जाके अपनी बेटी को संभालो और टाइम से उसे मेडिसिन देना, मैंने कल रही, मुझे देर हो गई है। खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? एक बच्ची नहीं संभाली गई? सर, कंपनी ने हमारा इंक्वायरी का मुतालबा रद्द कर दिया है। कुरैशी साहब, आप कुछ भी करें, मुझे कॉन्ट्रैक्ट वापस चाहिए। सर, मैंने तो कैसर साहब से आपको मीटिंग अरेंज करने का कहा था लेकिन आपने खुद मना कर दिया था। उससे मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं है। सर, आपके कनाडा जाने के बाद काम की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी और हम उनको वक्त पर बिल्डिंग बनाकर नहीं दे सके। देखा जाए तो सर, फॉल्ट हमारा ही है, कंपनी राइट पर है। अगर हम उन पे केस कर दें तो? सर, मैंने कानूनी टीम से मशावरत की है, उनका यही कहना है कि हम अपना वक्त और पैसा दोनों ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि जिन वजूहात के बिना पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है वो बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, आप जाए, मैं देख लूँ। ओके सर। मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगा।
मैं तो कुछ कहती ही नहीं, इसीलिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप और परेशान हो जाएंगे। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात की है कि नवाल आपी ने आपको कुछ क्यों नहीं बताया, जो कल हुआ वो भी नहीं बताया। कल क्या हुआ था? कल कबीर ने मुझ पर हाथ उठाया था नवाल आपी के सामने। क्या? उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की? कसम ले ले मामा, मैंने तो फिर भी एक लफ्ज भी नहीं बोला, उल्टा उनसे माफी मांगी। ये तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो जाता है, और मैं तो कुछ कहती नहीं। उनको भी पता है इसके पीछे किसने आना है, किसने आके पूछ रहा है, कौन सवाल करेगा, ये तो लावारिस है। मैं अभी जिंदा हूँ, तुम्हारी माँ, बेटी हो तुम मेरी। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की? मैं उसके हाथ ना तोड़ दूं? अगर मुझे पता होता ना कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाने के बाद तुम्हारे साथ ये वैश्यों जैसा रवैया करेगा, मैं उसे लेकर ही नहीं जाने देती तुम्हें। धीरे दे मामा, किसी के चेहरे से थोड़ी उसकी फितरत पहचान सकते हैं हम। ठीक है, उठो अभी चलो मेरे साथ, में जाकर उससे पूछूंगी। इतने दावे और वादे करके वो लेकर गया था, भूल गया वो सब कुछ? उठो अभी फलक, उठो। कहाँ जा रही हो? कल तुम्हारे साथ। कबीर ने फलक पे थप्पड़ मारा और तुमने मुझे बताया तक नहीं, उसकी जुर्रत कैसे हुई? तो उसी वक्त फलक को लेकर घर वापस क्यों नहीं आना नवाल? कबीर ने फलक को थप्पड़ नहीं मारा, ये झूठ बोल रही है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी, बोलो। आप भी, आपके सामने तो कबीर ने कितनी बदतमीजी की थी मुझसे, आप उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? फलक, ना कबीर ने तुमसे बदतमीजी की थी और ना तुम्हें थप्पड़ मारा, बल्कि बदतमीजी तुम कर रही थी उनसे और तुम प्रवोक कर रही थी। इनफैक्ट इल्हाम को तुम छोड़ के क्यों गई? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है? इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करोगी और तुम एक्सपेक्ट करती हो कि अगला इंसान गुस्सा भी ना करे? फलक, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मामा ये झूठ है, मैं इसीलिए आप लोगों को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि आप लोग तो मेरी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि खून के रिश्ते कितने जरूरी होते हैं। वो आपकी बात का यकीन करते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं उस वक्त जब आपको जरूरत होती है। आप लोगों ने तो एक लम्हे में मुझे झूठा कर दिया। आप ही बताएं मैं क्यों झूठ बोलूंगी, क्या फायदा है इसमें मेरा? फलक, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं हालत का साथ नहीं देती और इस मामले में तुम हालत हो। मैं वही थी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है अम्मी। अगर आप मेरी सगी बहन होती तब भी आप यही करती, बल्कि उस वक्त आप मेरे साथ चलती और उनसे पूछती कि वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं। मगर शायद मैं ही गलत, मुझे आपसे और मामा से कोई गिला नहीं। मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊंगा। मामा रहने दें आप, मुझे अंदाजा हो गया, मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं इनकी बहन और आपकी बेटी कभी नहीं बन सकती। मैं कभी इस घर में नहीं आऊं। जाने दें आप उसे, दो सेकंड में हमें जहर कर देती है, अपने आप को सौतेला कर देती है, पूरी जिंदगी पाला है इसे। आए मेरे साथ आप। क्या बात है, परेशान? फलक और कबीर के बारे में सोच रही हूँ। दिन ब दिन दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ बढ़ती ही जा रही हैं। पता नहीं फलक किस मिट्टी की बनी है, ना अपनी बेटी का ख्याल है ना शोहर का। आर्या, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उन्हें जितना मर्जी चाहे समझा लो वो फितरतन कभी नहीं बदल। And unfortunately, Falak is one of them. जिसने, मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम छोड़ दो से उसके हाल, उसकी आदत से वाकिफ तो ये ना हो कि इन द एंड वो सारा इल्जाम उठा के तुम्हारे सर डाल। हद करते हैं आप भी, उनके दरमियान की लड़ाई, उनकी तलखियां किस तरह खत्म करानी है बजाय ये बताने के, और आप मुझे डरा रहे हैं।
आलिया उनके दरमियान लड़ाई सिर्फ इसी सूरत खत्म हो सकती है अगर अल्लाह ताला फलक को हिदायत दे। और फलक घर पर आने वाली लड़की नहीं है, व्हाई डोंट यू गेट दैट? कभी जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, उनकी आपसी लड़ाई कभी खत्म नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यार कम ऑन, दे आर अ मिसमैच एंड यू आल्सो नो इट। दोनों की आदतें अतवार एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ। इंसान शादी सुकून के लिए करता है, और अगर सुकून ना होना आलिया तो शादी का कोई फायदा नहीं। मुझे इल्हाम की परेशानी है, तो ठीक से देखभाल ही नहीं कर रही उसकी, कोई फिक्र ही नहीं उसे बच्ची की अपनी। क्या लगता है वो बच्ची जब बड़ी होगी अपने माँ बाप की लड़ता हुआ देखेगी तो क्या असर पड़ेगा उस पर? कभी सोचा इस बारे? आलिया इस तरह के बच्चे कभी भी मेंटली स्टेबल नहीं निकले। ना ना करे ऐसा हो कभी, बस आप भी दुआ करें ना कि अल्लाह हिदायत दे फलक। आमीन। मैंने आप लोगों की सब बातें सुन ली हैं। कितना दर्द है ना मेरे लिए आपके दिलों में, ये सुनकर तो मेरी आंखें ही नम हो गई। इतनी फिक्र है मेरी। आप दोनों इस घर का सुकून देखना चाहते हैं ना, मैं बताती हूँ कैसे आएगा सुकून। आप दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधें और इस घर से निकलें। कबीर और मुझे खुशी देखना चाहते हैं ना, तो आप दोनों के जाने के बाद हम बहुत खुश रहेंगे एक साथ। वैसे भी तो आप दोनों की वजह से हमारी कितनी लड़ाइयां हुई, बातें लड़ाइयां भी नहीं होंगी। क्या बकवास कर रही हो? वही जो आप सुन रहे हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? होश में हो तुम, किस लहजे में तुम बात कर रही हो? अपने होशो हवास में ही बात कर, बल्कि इस तरह तो मुझे बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी। इस घर का सुकून चाहिए ना, तो आप लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। शाबाश, जाएं आप लोग यहाँ से। फलक मैं तुमसे कह रहा हूँ अपनी हद में रहो। अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप भड़क ही गए? इकलौता भाई है आपका, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं देखना चाहते आप? आप नहीं चाहते कि कबीर अपनी जिंदगी में खुश रहे? हद होती है फलक, ये घर हम सबका है। गलत फहमी है आपकी, ये घर जिसके पैसे से बना है ना वो मेरा शौहर है, उसकी कमाई से बना है ये घर, और इस घर पे सिर्फ मेरा हक है। आप लोग तो जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए हैं यहाँ। जुबान संभाल, तो कीड़ उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है आपको। चले चले आसा। अरे भाई अंदर कहाँ जा रहे हैं, बाहर का रास्ता इस तरफ है, इस तरफ को निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आलिया भाभी और भाई से इस तरह बात करने की? वीर ये लोगों को भी अलग करवाना चाहते हैं। बहुत हो गया, अब एक भी और बकवास नहीं, सब कुछ अपने कानों से सुना है मैंने, अब तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा फलक। तुम इन्हें घर से बाहर निकालोगी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओगी। कबीर ऐसा नहीं है, कबीर आप मेरी बात तो सुने, कबीर ऐसा नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना थी, और उससे भी बड़ी गलती तुम्हें इस घर में वापस लाना थी। पलक तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम इस घर में रहो, निकलो तुम यहाँ से। चलो पीछे छोड़े, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़े इन्हें, तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। कबीर क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, मैं यही रहूंगी इस घर में, मैं कहीं नहीं जा रही। इंसल्ट मेरे यार, किसी ने अपनी भाभी, आप प्लीज मत रो, अब ये यहाँ नहीं रहेगी, इसे इसके घर भिजवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर। मुझे प्लीज मत निकालो यहाँ से, प्लीज कबीर मेरी बात तो सुन ले। कबीर अगर इस घर में रहना है ना तुम्हें, तो भाई और भाभी से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। कबीर प्लीज बस करो,
बहुत हो गया तमाशा। नहीं भाई, हर बार मैं खामोश नहीं रह सकता। आज तो इसे माफी मांगनी पड़ेगी, वरना जाए यहां से, इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। नहीं कबीर, प्लीज मुझे माफ करते हैं, प्लीज प्लीज मुझे माफ करते। आलिया भाभी तो की भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं गुस्से में क्या कुछ बोलती रही। मैं आइंदा कभी एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। हम कबीर से कहें मुझे घर से मत निकाले। प्लीज मुझे माफ कर दे। तो की भाई प्लीज कहें सर। नमान, फलक को कॉल तो करो, पता करो उसकी खैरियत। अम्मी आप उसे इतना पैम्पर करना छोड़ दें। तुम जानती तो किस कदर जज्बाती है वो, कितने गुस्से से गई थी वो। मुझे तो समझ नहीं आता ये लड़की कैसे रिश्ते निभाएगी। मुझे तो उसके घर की फिक्र हो रही है। अम्मी वो चाहती है कि उसी गलतियों के बावजूद आप आंखों में पट्टी बांध के रखें। आपको चाहिए कि आप उसे समझाएं कि बाहर घूमने के बजाय घर पे तवज्जो दे, इल्हाम का ख्याल रखे। मुझे डर है कि फलक का यही रवैया रहा तो उसकी आगे की जिंदगी में बहुत मुश्किलात आएंगे। निकलो यहाँ से, जाओ अपने घर। मुझे प्लीज मत निकालो यहाँ से, प्लीज कबीर मेरी बात तो सुन ले। कबीर अगर इस घर में रहना है ना तुम्हें, तो भाई और भाभी से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। आलिया भाभी तो की भाई, प्लीज मुझे माफ कर दे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं गुस्से में क्या कुछ बोलती रही। मैं आइंदा कभी एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दे। हम कबीर से कहें मुझे घर से मत निकाले। प्लीज मुझे माफ कर दे। इस बेइज्जती का बदला लेकर मैं माफी नहीं दूंगी। फलक, तुम इस जंग में अब अकेली हो, कोई नहीं तुम्हारा। तुम्हें भी किसी का सोचने की जरूरत नहीं। मैं अब वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम हमजा, कैसे हो? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? मैं ठीक अल्लाह का शुक्र। नवाल किधर है? मैंने उसको काफी कॉल्स की, उसने कॉल रिसीव नहीं की। नवाल तो घर पे नहीं है। अच्छा, कहाँ गई? नवाल तो इस वक्त ऑफिस में है ना। ऑफिस? कौन से ऑफिस? नवाल ने तुम्हें नहीं बताया? वो कबीर को ऑफिस ज्वाइन कर लिया है ना उसने। उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, खैर दो वीक हो गए उसे ज्वाइन किए हुए। तुम अंदर तो आओ, मैं चाय बनवाती हूँ। नहीं आंटी, फिर कभी आऊंगा और चाय भी पीऊंगा। मैं चलता हूँ। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी खुशी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हेलो, फलक से बात करवाएं? फलक तो इस टाइम शूट में बिजी है। क्या कहा? शूट? तुम यहाँ? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हमजा, मैं तुम्हें बताने वाली थी। बताने वाली थी? कब? तुम्हें दो हफ्ते हो गए यहाँ पे जॉब करते हुए, तुमने मेरे सामने जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझा। अभी के अभी रिजाइन करो,
तो चलो मेरे साथ कब हमजा तू जाओ यहाँ से, हम शाम में मिलके बात करते हैं। नहीं, जो बात होगी अभी और इसी वक्त, और तुम आज ही रिजाइन करोगे। हमजा आई कांट डू दैट, दैट्स नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। मैंने एक कमिटमेंट की हुई है, मैं तुम्हारे कहने पे एक जॉब नहीं छोड़ सकती ना। अब तुम मुझे प्रोफेशनलिज्म सिखाओ। तुम हमजा हाशिम की होने वाली बीवी हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं या दो टके के ऑफिस पर जॉब करने की। और अगर तुमसे कोई कुछ कहे ना तो मुझे बताना, मैं देख लूंगा। तुम चलो यहां से, ये मेरा ऑफिस है और यहां तमाशा करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप चले जाओ यहां से। बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान। मैंने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, तुमने मेरी फियांसे को जॉब पे रख लिया। तुम जैसा चीप इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये कल से ऑफिस नहीं आएगी। चलो हमजा, लीव मी, मैं नहीं जा रही तुम्हारे साथ। तुम जाओ यहां से। तुम्हारे जरिए जो मुझसे हासिल करना चाह रहा है ना, वो मैं इसे पूरी जिंदगी नहीं हासिल करने दूंगा। फिलहाल तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारा यहां पे कोई काम नहीं है। चलो। I'm warning you for the last time. Leave my office now. ठीक है, अभी देखता हूँ कब तक तुम्हारा ऑफिस में जॉब करती है। I am so sorry. This is so embarrassing. I wouldn't even have thought it. Nawal, it's all good. Relax, calm down. Nawal, जी वो हमजा आया था क्या? तुमने उसे अपनी जॉब के बारे में नहीं बताया? मेरी बात हो गई है, बता दिया मैंने अब। इसीलिए मुझे लगता है उसे तुम्हारा जॉब वाली बात छुपाना अच्छा नहीं लगा। अम्मी, मैंने छुपाया नहीं, बस बताने का मौका नहीं मिला था। चलो तुमने उसे अब तो बता दिया है। आई होप उसका गुस्सा अब ठंडा हो जाए। आपकी तबीयत अब कैसी है? ठीक हूँ मैं। तुम्हारी फलक से बात हुई? नहीं तो कॉल करती हूँ उसे, फिर मैं खुद ही कोशिश करती हूँ उससे बात हो जाए। वो कॉल तो मेरी उठा ही नहीं रही। क्या हुआ नवाल, परेशान हो तुम? कुछ खास नहीं, बस हमजा को कबीर क्या मेरा जॉब करना अच्छा नहीं लगा। हमजा को? हमजा कब से इतना कंजर्वेटिव हो गया? अम्मी, इंसान के अंदर क्या कुछ छुपा हुआ होता है कुछ नहीं पता चलता। सबके रंग धीरे धीरे ही नजर आते हैं। लाइन पे बीजे में दूध पिला दो उसके। नहीं, तुम ये यहाँ रख दो, जाके तुम किचन वगैरह देखो, मैं संभाल। जी अच्छा ठीक है। भूख लगी है? बिल्कुल लगी है। जब भूख लगेगी तो हम पी लेंगे, है ना? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इनकी कैसी हो भाभी? फलक कहाँ है? मेरे ख्याल है किसी काम से बाहर गई हुई है। बाहर गई है? आपने कॉल की उसे? नहीं, मैंने सोचा आ ही जाएगी थोड़ी देर में, आने वाली होगी मेरा ख्याल है। क्या बात है भाई?
हेलो हेलो फलक से बात करवाएं। फलक तो इस टाइम शूट में बिजी है। क्या कहा? शूट? कौन सी शूट? ड्रामे के शूट में बिजी हैं। आप एक घंटे बाद कॉल कीजिएगा। आप कौन बात कर रही हैं? मैं मारिया बात कर रही हूँ। मैं अंदाजा भी है तुम्हारी सरकत की वजह से कितना परेशान रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इतनी छोटी सी बात को सर पे सवार क्यों कर रहे। छोटी सी बात तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खैर अब तुमने रिजाइन कर दिया तो इट्स ओके। मैंने रिजाइन नहीं किया और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। क्यों नहीं किया? मैंने तुमसे कहा है कि मुझे तुम्हारा वहां पे जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानती हो ना कि मेरे और कबीर के दरमियान क्लैशेस हैं फिर भी तुम उसके ऑफिस में जॉब कर रही हो। हमजा तुम्हें समझना पड़ेगा कबीर कोई गैर नहीं है वो मेरी बहन के शोहर हैं और एक फैमिली की तरह हैं। और दूसरी बात उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की उन्हें जरूरत थी मैं मान गई। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इससे कोई मसला होना चाहिए। एक बात बताओ मुझे तुम हमेशा मेरे मुखालिफ लोगों के साथ ही क्यों खड़ी होती हो? पहले शिराजी और अब कबीर। हमजा मैं अभी रिजाइन नहीं कर सकती कंपनी थोड़ी सी संभल जाए फिर रिजर्वेशन दे दूंगी। ठीक है नहीं तुम अभी रिजाइन करना हो। हमजा ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं अभी नहीं रिजाइन कर सकती कंपनी को मसला हो सकता है। तुम इसकी इतनी फिक्र क्यों है? कबीर मेरी बहन का शौहर है और मेरी बहन अपने घर के हालात की वजह से बहुत परेशान है। तुम जानती हो मुझे कबीर ने कितना नुकसान पहुंचाया उसकी वजह से मेरी कंपनी को करोड़ों का लॉस हुआ। जिस मेडिसिन कंपनी के साथ मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा था उस कंपनी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके कबीर और उसके दोस्त को दे दिया। वो तुम्हारा पर्सनल मैटर प्लीज मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो और तुम मुझे मत फोर्स करो कि मैं रिजाइन करूं प्लीज। कहाँ थी तुम? मैं एक जरूरी काम से गई थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम है मुझे भी तो पता चले। बताया तो है जरूरी काम से गई थी अब हर बात की तफसील देना जरूरी है? झूठ बोलती हो तुम शूट पर थे ना? मारिया से बात हुई थी मेरी। कबीर क्या हो गया कैसे बात कर रहे हैं आप मुझसे? मैंने मना भी किया था ना कि तुम मॉडलिंग नहीं करोगी तुम फिर भी गई वहां। मॉडलिंग नहीं करी मैं एक्टिंग करी हूँ दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और वैसे भी मैं कौन सा करना चाहती थी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई तो मना नहीं कर सकी। मैं कोई वजह ही नहीं थी इनकार करने की। फेम मिल रहा है पैसा मिल रहा है तो किस बात पे इनकार करती? फलक इल्हाम का ख्याल कौन रखेगा? मुलाजिमा है ना वो रख लेगी उसका ख्याल। और वैसे भी मुझे कौन सा रोज रोज जाना है हफ्ते में 2 दिन जाना इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं ना आप कबीर। तुमने मुझे बताने तक की जहमत नहीं की। आलिया भाभी से तो कोई नहीं पूछता सारी पाबंदियाँ मुझ पर ही हैं। उनको तो पसंद ही नहीं होगा कोई उनसे सवाल करे ये सब कुछ तो मेरे लिए है। ये आलिया भाभी का जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? क्यों नहीं आएगा एक घर में रहते हुए 2 औरतों के लिए मुख्तलिफ रहे। अगर मैं कहीं नहीं जा सकती तो वो भी कहीं नहीं जाएंगी वो भी घर बैठ जाना ऑफिस क्या करने जाती है। अगर तुम्हें करना है तो किसी अच्छी जगह जॉब करो ना मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें मॉडलिंग और एक्टिंग की इजाजत नहीं दे सकता। हमारा एक खानदान है और हाँ हम हैं इस मामले में कंजर्वेटिव। हमारे घर की बहू बेटियां ये मॉडलिंग एक्टिंग नहीं करती हैं। फलक ये सारा ड्रामा खत्म करो और किसी अच्छी जगह जॉब करो। हाँ आपको मेरी फील्ड इतनी ही बुरी लगती है तो जो कैब में मैं आती जाती हूँ और जलील होती तब तो आपकी इज्जत और गैरत को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार कह चुकी हूँ कबीर मुझे अपनी गाड़ी चाहिए आई नीड अ कार। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है फलक के हालात ठीक नहीं है मैं तुम्हें नई गाड़ी लेकर नहीं दे सकता थोड़ा इंतजार करना होगा। और कितना इंतजार करूं कितना इंतजार करूं रोज खराब हो जाती है कहीं पर भी जाना होता है मैं लेट हो जाती हूं। तो आना जाना कम कर दो घर पे बैठो इल्हाम का ख्याल रखो क्या जरूरत है फजूल आने जाने की। यही उम्मीद है मुझे कुछ ना करे।
अपनी कैरेट लेनी है थोड़ी सी। आप सकीना जी, वो कल आपको जाके बोलो खाना लग गया, आ जाए नीचे। जी अच्छा बेहतर। क्या जॉब है, सारा दिन बैठ के इसको संभाल और फिर हर चीज की रोक टोक, ये मत करो वो मत करो, देखिए अजाब हो गई है। इसीलिए शादी की थी, शायद तुम्हें भी। बीबी जी आपको खाने पर बुला रहे हैं। मुझे नहीं खाना। जी कम सुनाई देता है तुम्हें, नहीं खाना, मुझे जाकर बता दो नीचे। जी अच्छा बेहतर। कबीर को पता लगना चाहिए कि मैं नाराज हूं। खाना खा लो फिर सो जा। वो जी फलक बीबी ने खाना खाने से मना कर दिया। कबीर तुम जाके फलक को बुला लो, मुझे लगता है शायद अपसेट हो। रहने दो उसे भाभी, भूख लगेगी तो खुद आकर खा ले, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। आप शुरू करें भाई। तुम्हें अब चुप हो जाओ। सकीना सकीना सकीना। जी बीबी जी। पकड़ो इसे, दूसरे कमरे में ले जाओ, सुलाओ इसको। जी अच्छा। ऐसा बेखबर सो रहा, बीवी जिए मरे कोई परवाह नहीं, कि मना ही ले। पलक पलक प्लीज इसे देख लो, रो रही है ये। तो आप खुद देख लें, आपकी भी औलाद है, सिर्फ मेरी अकेली की बेटी थोड़ी है। पलक क्या हो गया तुम्हें, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, जल्दी उठना है। आओ मैं भी काम पर जाती हूँ। अरे भूख लग रही है इसे। तो कबीर आप देख लेना। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भूख लग रही है। ओह नहीं 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 नहीं, आ जाओ आ जाओ चल। फारूक सर मुझे पिछले क्वार्टर की फाइनेंस शीट्स ला के दें प्लीज। जी ओके थैंक यू। आई जी आलिया बताइए। ये फाइल है, इसमें कबीर एंड फूड्स के जितने भी सप्लायर्स हैं उनके कोटेशंस लिस्टेड, और वह चेक करके प्लीज मार्क कर लेना। ठीक, और ये वो चेक का प्लीज इसको जल्दी से ना तुम जमा करवा दो, किसी भी राइटर को भेज के तो केयर के अकाउंट में करवा दो। श्योर थिंग। फलक तुम खैरियत तो है? जी सब ठीक है, घर में फ्री बैठी थी तो सोचा ऑफिस चले जाओ, देखो तो सही कि चल क्या रहा है। अरे वाह, तो ये भाई के नाम चेक, यहाँ तो आपस में पैसे बांटे जा रहे हैं। आपको पता है मैं कभी इससे काफी दिन से कह रही थी कि गाड़ी चेंज कर दें, मुझे कहते रहे कि कंपनी के हालात ठीक नहीं हैं। वैसे दाद देनी पड़ेगी आलिया भाभी, आप तो किसी पैरासाइट की तरह कंपनी को चिपक गई हैं।
भड़क के तुम किस तरह से बात कर रही हो? पड़ोस इस तरह से बात करते हैं क्या? ठीक ही तो कह रही हूँ, कंपनी के हालात ठीक नहीं है, कंपनी डूबने वाली है। कबीर से तो यही सुना है, फिर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। इतनी बड़ी अमाउंट अपने शोहर के अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। मैं आपको बता रही हूँ, आप ही पहले भी यही सब चलता होगा जो कंपनी के ये हालात हो गए हैं। फलक बकवास बंद करो, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। इस तरह के इल्जाम नहीं लगाते लोगों पे। तुम्हारी चाहे तबीयत ठीक नहीं है तो तुम बाहर आओ। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ नवाल, आप ही कोई इल्जाम नहीं है। ये बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन है ना, इन्हीं के किए का खामियाजा भुगतना पड़ा है हमें। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, आसमान से उठा के जमीन पर फेंक दिया है हमें। मुझसे मेरा अपार्टमेंट छीन लिया, मेरा घर छीन लिया, मेरी जिंदगी तबाह कर दी इस औरत ने। आलिया प्लीज आप इसकी बातों में बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा। आप जाए यहाँ से, मैं समझाती हूँ उसे। क्या समझाएंगे आप बताएं इन्हें कि ये कंपनी हमारी वजह से चल रही है। अगर मैं आपसे ना कहती तो आप करती इस कंपनी में इन्वेस्ट? अगर आपने इन्वेस्ट किया है ना तो इस कंपनी पर मेरा भी हक है। पिछले कुछ महीने से तो मुझे लारे दिए जा रहे हैं, 5 महीने 6 महीने मुझे पैसे देते वक्त कंपनी डूब जाती है, यहाँ पर पैसे नहीं होते, और अपने शोहर के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम आप ट्रांसफर कर देंगी, तब पैसे कहाँ से आते हैं? फलक ये मैंने इन्वेस्टमेंट तुम्हारे लिए नहीं की, कबीर के लिए की है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कबीर को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी ना, कंपनी को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया। अगर आपने अपनी बहन के लिए नहीं किया तो बहनों वाला ताल्लुक क्या हुआ? इसका मतलब है आपको मेरी कोई परवाह नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए, इनको मुझसे ज्यादा आप लोगों की परवाह है। मतलब तुम किस तरह की बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ मैं। ऐसा क्या किया कि मेरी ही बहन को मेरे खिलाफ कर दिया? क्या बातें ऐसी की है कि उनके दिमाग में मेरे लिए जहर भर दिया आप लोगों ने? पलक अपनी जबान को लगाम दो, ये ऑफिस है मेरा, यहाँ तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। घर जाओ, जो भी मसला है ना जाकर कबीर से डिस्कस करना। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? ये ऑफिस मेरी बहन के पैसों से चल रहा है, और आप होते कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाले? पलक मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ चुप हो जाओ, तुम बदतमीजी किए जा रही हो आलिया के साथ। चुप, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब, पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे, मैं रहना ही नहीं चाहती इन जाहिलों के साथ। आलिया, आलिया, I'm so sorry. कुछ चल रहा होगा उसके दिमाग में, आप उसके उसकी बातों दिल पे मत लें, वो छोटी है। I'm so sorry. आलिया प्लीज रोना बंद करें, प्लीज चुप हो जाए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ऐसा क्या बिगाड़ा है पलक, छोटी बहनों की तरह भी उसने हमेशा समझा है, ख्याल रखा, ये पता नहीं क्यों वो मुझसे इतना बदगुमान है। अरे मैं उसे समझाऊंगी, वो माफी मांगेगी आपसे, फिक्र मत करें। भाभी क्या हुआ? भाभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? कुछ तो बोलें, आप रो क्यों रही हैं? नवाल, साथिया तूने धोखा दिया।